गुड मॉर्निंग क्लास. सो टुडे अगेन आई विल डू जीके. सो लेट्स स्टार्ट. टेक आउट योर जीके बुक एंड बी रेडी विद जीके बुक. नाउ टुडे आई विल डू लेसन 5, दैट इज let's see lesson 5 ye kya hai ye manners everywhere. okay, so today we will learn about some good manners or some bad manners. so open a page number 10. yes, open it. now write date. Day. So today's date is 23 and day is Saturday. 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 Write classwork. Okay. Now let's see. मैनर्स एवरीवेयर. हर जगह मैनर्स होते हैं, वो हम लोग को फॉलो करते हैं. सम आर गुड मैनर्स और सम आर बैड मैनर्स. मैनर मेक अस गुड चिल्ड्रेन. अगर हम अच्छे मैनर्स फॉलो करेंगे तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे. वी शुड फॉलो मैनर्स एवरीवेयर. हर जगह कहीं भी जाते हैं वहाँ पे अलग अलग मैनर्स होते हैं. सो टिक द एक्टिविटीज़ डैट यू थिंक आर गुड. सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ मैनर्स भी लिखे हैं. यू हैव टू डिटरमाइन विच इज़ गुड मैनर्स एंड विच इज़ बैड मैनर्स. सो जो गुड मैनर्स है, मेक अ टिक इन फ्रंट ऑफ गुड मैनर्स एंड मेक अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ बैड मैनर्स. ओके, so let's start with number 1. here what you will see, helping a blind person. there is one boy and one person है, कोई एक बड़ा सा कोई उससे बड़ा आदमी है और वो क्या है, blind है, मतलब अंधा है. so ये boy उस अंधे person को help कर रहा है. so this is a good manners or bad manners. Helping a blind person. So this is a good manners. अगर हमें कोई अंधा आदमी दिख रहा है तो हमें उसकी help करनी चाहिए. So this is good. So make a tick in front of this. Number 1. Okay. Now number 2. Plucking flowers. Plucking मतलब यहाँ पे एक लड़की है. There is one girl. What she is doing? plucking a flower. So this is good manners? No, हमें flower को तोड़ना नहीं चाहिए. Okay, so this is bad manners. So make it cross. Without any use, you don't need to pluck the flower. Okay, so अगर कोई यूज़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्लावर को प्लग करने की. सो दिस इज़ अ बैड मैनर्स. नाउ नंबर 3, देयर आर टू बॉयज विच बोथ आर फाइटिंग अमंग ईच अदर्स. ओके, सो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. सो क्वेरलिंग विद अ फ्रेंड, मतलब क्वेरलिंग मतलब बहस करना या लड़ना. सो विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ लड़ना अच्छी बात है. हम लोग उनको फ्रेंड बनाते हैं किस लिए, हेल्प करने के लिए, और उन्हें हेल्प हो तो हम उनको भी हेल्प कर सके. तो क्या उनसे लड़ाई करना अच्छी बात है? नो. सो दिस इज़ अ बैड मैनर. मेक अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ नंबर 3. ओके, नाउ नंबर 4, मेकिंग नॉइज इन क्लास. सो क्लास में जब भी हो हमेशा क्या करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए? दिस इज़ गुड और बैड? बैड.
हमेशा क्लास में कैसे रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ बच्चे चिल्लाते हैं, बट आपके चिल्लाने से दूसरे बच्चों को भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हमेशा नॉइस नहीं करना चाहिए, ना चिल्लाना नहीं चाहिए, क्लास में हमेशा शांति रखनी चाहिए। सो मेक अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ फोर। नाउ नंबर 5, प्रेइंग टू गॉड, मतलब गॉड को प्रे करना। सुबह उठ के हमेशा गॉड को प्रे करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्या हम लोग करते हैं? नो, करना चाहिए। दिस इज़ अ गुड मैनर्स। सो मेक अ टेक ऑफ इन फ्रंट ऑफ 5। ओके, बोर्डिंग अ मूविंग बस, मतलब कि अगर कोई बस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लड़का है जो बस चल रही है और चलती हुई बस पे वो चढ़ रहा है, तो दिस इज़ गुड और बैड? बैड। इससे क्या होगा, उसको ही चोट लग सकती है। ठीक, तो हमेशा क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि बस रुकेगी, हाँ, और तब हम उस पर आराम से लाइन में लग के उसको उसमें चढ़ सकते हैं। ओके, सो चलती हुई बस पे कभी नहीं चढ़ना चाहिए। तो दिस इज़ अ बैड मैनर्स। सो बोर्डिंग अ मूविंग बस, मतलब चलती हुई बस में चढ़ना नहीं चाहिए, दिस इज़ बैड मैनर्स। तो मेक अ क्रॉस हियर, नंबर 6। ओके, नाउ अगेन रिवाइज इट वंस मोर। नंबर 1, हेल्पिंग अ ब्लाइंड पर्सन, मतलब अंधे आदमी की मदद करना। दिस इज अ गुड मैनर, सो मेक अ टिक इन फ्रंट ऑफ 1। नाउ नंबर 2, प्लकिंग फ्लावर्स। सो जब तक यूज ना हो फ्लावर का, हमें प्लक नहीं करना चाहिए। सो मेक अ क्रॉस, दिस इज अ बैड मैनर्स। क्वेरलिंग विद अ फ्रेंड, सो फ्रेंड के साथ लड़ाई करना अच्छी बात है? नो, गंदी बात है। फ्रेंड के साथ हमेशा क्या करना चाहिए, उससे हेल्प लेनी चाहिए, और उसको भी अगर हेल्प है तो देना भी चाहिए, उसको हेल्प चाहिए तो उसको देना भी चाहिए। मेकिंग नॉइज़ इन क्लास, क्लास में शोर मचाना, दिस इज़ अ गुड मैनर्स? नो, बैड मैनर्स। सो हमेशा क्लास में साइलेंट रहना चाहिए, जिससे कि अदर चिल्ड्रंस को भी डिस्टर्ब ना हो। ओके, प्रेइंग टू गॉड, मतलब भगवान को प्रे करना चाहिए, ना भगवान को हमेशा सुबह उठ के पहले उन्हें प्रे करना चाहिए। बोर्डिंग अ मूविंग बस, सो मूविंग बस, मतलब चलती हुई बस पे चढ़ना नहीं चाहिए, दिस इज़ अ बैड मैनर्स। सो मेक अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ 6। ओके, सो अंडरस्टैंड विच इज़ गुड मैनर्स और विच इज़ बैड मैनर्स, एंड यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो, मतलब आपको ये लर्न भी करना होगा। थैंक यू क्लास।